हेलो माय डियर स्टूडेंट्स यहाँ हम बात कर रहे हैं हमारे चैप्टर ग्रेविटेशन और ग्रेविटेशन में फर्स्ट टॉपिक की हम बात कर रहे हैं जिसे हम कहेंगे न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन या फिर यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन और इसका सिंपल फार्मूला हमको पता है अगर दो बॉडी एम वन एम टू है ना अगर एक बॉडी जिसका मास है एम वन और दूसरा बॉडी जिसका मास है एम टू और इन दोनों बॉडी के सेंटर ऑफ मास के बीच का डिस्टेंस आर है तो इनके बीच में लगने वाला ग्रेविटेशनल फोर्स एफ इज इक्वल टू होता है जी एम वन एम टू डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर ये हमको पता है और इसी कॉन्सेप्ट का हम यूज करेंगे आज जो टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं वो टॉपिक है ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन सर्कुलर रिंग एंड अ सॉलिड स्क्वेयर ओके आज जो टॉपिक हम पढ़ रहे हैं उसे हम कहेंगे ग्रेविटेशनल फोर्स ओके ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन बिटवीन अ सर्क्यूलर रिंग ओके अ सर्क्यूलर रिंग एंड सॉलिड स्फेयर ओके एंड सॉलिड स्फेयर तो यहाँ पर हमको अगर ये स्फेयर इस सर्कुलर रिंग पर कितना फोर्स लगाएगा ओके okay, तो हमें आ, हर एक पार्ट की बात यहाँ पर करना पड़ेगी डेफिनेटली हमें इंटीग्रेशन का कॉन्सेप्ट यहाँ पर यूज़ करना पड़ेगा मान लेते हैं ये हमारे पास में एक सर्कुलर रिंग है जिसका रेडियस है आर ओके okay, और इसकी एक्सिस पर इसकी एक्सिस पर अगर हम एक्स डिस्टेंस जाते हैं और यहां एक्स डिस्टेंस किसी पॉइंट पर एक सॉलिड स्फेयर रखा हुआ है ओके okay? मान लेते हैं सर्कुलर रिंग का जो मास है वो स्मॉल एम है और ये जो सॉलिड स्फेयर है इसका मास कैपिटल एम है ओके okay? इन दोनों के बीच में कितना ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा अगर हमें आज उसकी बात करना है तो हम यहाँ पर एक डिफरेंशियल पार्ट कंसिडर करेंगे रिंग पर हम एक डिफरेंशियल पार्ट कंसिडर करेंगे डी एल लेंथ का और उसका डिफरेंशियल मास डीएम होगा तो हम यहां पर कंसिडर कर रहे हैं कंसिडर अ डिफरेंशियल पार्ट ओके डिफरेंशियल पार्ट डी एल मास कितना है उसका मास मास है डिफरेंशियल मास उसका है डी एम तो इस डिफरेंशियल पार्ट पर कितना फोर्स लगेगा किस डायरेक्शन में लगेगा अगर हम इसके इस डिफरेंशियल पार्ट और इस स्वेयर के सेंटर को एक लाइन से मिला दें ओके okay, अगर इन दोनों को हम एक लाइन से मिला देते हैं तो डेफिनेटली जो फोर्स का डायरेक्शन होगा वो इस लाइन की डायरेक्शन में होगा है ना ये जो डिफरेंशियल फोर्स होगा डिफरेंशियल फोर्स डी एफ जो होगा वो दोनों को मिलाने वाली लाइन की डायरेक्शन में होगा अगर हम इस फोर्स को रिजॉल्व पार्टिकल के लिए जब हम इसको इंटीग्रेट करेंगे पूरे सर्कल पर तो हर एक पार्टिकल के लिए फोर्स का डायरेक्शन अलग अलग होगा तो अगर हम इस फोर्स को दो पार्ट में रिजोल्व करें एक वर्टिकली डाउनवर्ड है ना एक फोर्स जो है वर्टिकली डाउनवर्ड है ना ओके तो यहाँ पर अगर हम इस एंगल को थीटा कंसिडर करें तो वर्टिकल डाउनवर्ड फोर्स होगा डी एफ साइन थीटा, और इसका एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा जो कि होगा डी एफ कॉस थीटा। ओके तो यहां पर अगर हम हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट को इंटीग्रेट करेंगे तो डेफिनेटली हमको जीरो मिलने वाला है क्योंकि इसके जस्ट अपोजिट कोई दूसरा डिफरेंशियल पार्ट डेफिनेटली होगा और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट को कैंसिल कर देगा तो यहां पर हम लिख सकते हैं कि हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट जो होगा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ फोर्स जिसको हम लिखते हैं एफ एक्स क्योंकि एक्स डायरेक्शन का है वो वो यहां पर अगर हम डी एफ थीटा को इंटीग्रेट करेंगे पूरे सर्कल पर तो वो जीरो होगा ओके क्योंकि वहां पर सिमेट्रिसिटी का केस है पर जो वर्टिकल डाउनवर्ड फोर्स है है ना अगर हम वर्टिकल फोर्स की बात करें अगर हम वर्टिकल कंपोनेंट की बात करें है ना वर्टिकल कंपोनेंट डी एफ वाई की अगर हम बात करें तो वो होगा डी एफ साइन थीटा ओके डेफिनेटली अगर हम यहाँ पर डी एफ की वैल्यू पुट करें तो वो होगा जी इंटू कैपिटल एम इन टू डी एम डिवाइडेड बाई इन दोनों सकते हैं रूट कैपिटल आर स्क्र प्लस एक्स स्क् लिख सकते हैं कैपिटल आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क् और अब हमको यहाँ पर साइन ठीटा का वैल्यू पुट करना रहेगा और साइन ठीटा तो ये थीटा के सामने वाला परपेंडिकुलर है मतलब एक्स यहाँ पर परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस हमको यहाँ पर समझ में आ रहा है रूट आर स्क्वेयर प्लस एक्स स्क्वेयर ओके इसको अगर हम सिंपलीफाई करेंगे मतलब y कंपोनेंट जो कि वर्टिकली डाउनवर्ड है वो हमको मिलेगा आ, जी कैपिटल m इंटू एक्स डिवाइडेड और यहाँ पर पावर कितना हो जाएगा रेस्ट पावर थ्री बाई टू और डीएम यहाँ पर अकेला बचेगा अगर दोनों साइड हम इंटीग्रेट करेंगे तो हम यहाँ पर डी एम को इंटीग्रेट करेंगे क्योंकि बाकी सारी चीजें यहाँ पर कॉन्स्टेंट है हमें यहाँ ऐसा लग सकता है कि सर एक्स जो है वो वेरिएबल है पर एक्स यहाँ पर वेरिएबल नहीं है एट इज फिक्स डिस्टेंस बिटवीन सेंटर ऑफ दिस रिंग एंड सेंटर ऑफ मास ऑफ दिस स्फेरिकल बॉडी ओके सो इफ यू आर इंटीग्रेटिंग दिस डी एम डेफिनेटली यू विल गेट द टोटल मास ऑफ दिस रिंग ओके okay, तो ये जो DM ये जो इंटीग्रेशन ऑफ़ होगा मिलेगा मतलब कि टोटल मास मिलेगा हमको रिंग रिंग का टोटल मास ऑफ़ तो इंटीग्रेशन के बाद हम यहाँ पर जो वाई कंपोनेंट फोर्स का मिलेगा विच इज वर्टिकली डाउनवर्ड तो यहाँ पर हमें सबसे अच्छी बात ये समझ में आती है कि जो रिंग पर फोर्स लगेगा इस सॉलिड स्वेयर पर वो वर्टिकल डाउनवर्ड लगेगा ओके okay, मतलब इसके सेंटर इसकी एक्सिस की डायरेक्शन में लगेगा तो ये हो जाएगा हमारे पास में जी कैपिटल एम एक्स इंटू स्मॉल है ना तो हम ऐसा भी लिख सकते हैं जी कैपिटल एम इंटू स्मॉल प्लस एक्स स्क्वा थ्री बाई टू ओके तो ये हमारे पास नेट फोर्स आता है यहाँ पर एक्स कंपोनेंट होरिजोनटल कंपोनेंट जीरो होगा वर्टिकल कंपोनेंट को हम इंटीग्रेट डायरेक्टली कर सकते हैं ओके okay, तो यहां पर हमने क्या देखा कैसे इंटीग्रेशन के कॉन्सेप्ट आप यूज करेंगे ग्रेविटेशनल फोर्स फाइंड करने के लिए